सीजन पीजी कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर प्रोफेसर पंकज सिंह जी, सर मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि क्या भारत पाकिस्तान का बंटवारा जरूरी था? क्षमा, बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप मुझे इस यूट्यूब चैनल में आपने मुझे बुलाया। पहली चीज तो ये बताना चाहूंगा कि 1870 के बाद जो परिस्थितियां बनी वो ब्रिटिश सरकार मुस्लिम के पक्ष में ज्यादा झुकी हुई नजर आने लगी। 1906 में मुस्लिम लीग के स्थापना के बाद धीरे धीरे जो परिस्थितियां बनती गईं उस हिसाब से मुझे लगता है कि भारत पाकिस्तान का बंटवारा जरूरी था। और गोविंद बल्लभ पंत ने एक बार कहा था कि हमारे सामने दो विकल्प रखे गए, एक आत्महत्या का, दूसरा बंटवारे का। हमने बंटवारा स्वीकार कर लिया और उस समय के जो भारतीय नेतृत्व था जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू, इन लोगों ने लगभग एक रूप से स्वीकार कर लिया कि अब बिना बंटवारे के हम लोगों को स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। सर मेरा आपसे दूसरा सवाल, पटेल जी द्वारा रियासतों के विलय के संदर्भ में कुछ बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है क्षमा। भारत जब स्वतंत्र हुआ और जब घोषणा हुई तो उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 562 रियासतों का विलय किया और 3 रियासतें कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद के विलय के बारे में निर्णय बाद में लिया गया। इस प्रकार से करीब भारत भूमि जो आज मौजूद है उसका 48% कुल मिलाकर के ये कहा जाए कि 50% हिस्सा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत में विलय किया और एक राष्ट्र की अवधारणा को पनपाया। और ये 565 रियासतों का विलय बहुत बड़ी उपलब्ध है। सर आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। सर मेरा आपसे आखिरी सवाल, जैसा कि नेहरू जी प्रधानमंत्री और पटेल जी उप प्रधानमंत्री रहे हैं, उनके संदर्भ या उनके संबंध कैसे हैं बताइए। बहुत अच्छे प्रश्न है क्षमा। नेहरू और पटेल गांधी के दाहिने और बाएं हाथ थे। जब प्रधानमंत्री बनने की बात हुई तो उस समय देश में 15 प्रदेश अध्यक्ष थे, तो जब ये वोटिंग हुई कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा तो 15 में 14 लोगों ने पटेल के पक्ष में दिया कि ये प्रधानमंत्री बनेंगे और एक प्रदेश अध्यक्ष जिन्होंने नेहरू के पक्ष में यह बात कही कि इनको प्रधानमंत्री होना चाहिए। लेकिन रात में अगले दिन नेहरू प्रधानमंत्री के रूप में घोषित किए गए। तो इस पे मेरा एक विचार है कि गांधी ने अपनी आत्मकथा में, क्योंकि उनको सत्य के प्रतीक के रूप में देखा जाता था, गांधी को अपनी आत्मकथा में इस बात को उजागर करना चाहिए था। जो आप हमारे सीजन पीजी कॉलेज के मीडिया रूम में आए,